उनको नजायज ना फंसाया जाए, किसी की पक्षपात के चक्कर में उनको ना फंसाया जाए, देश हित में काम करें। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के अंदर हम मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो यहां पर सात संगत आ रही है, कल से ही सात संगत का आना जाना यहां डेरा के अंदर लगा हुआ है। बातचीत कर रहे हैं आने वाले लोगों के साथ। आज ये लोग किस पर्पज़ के तहत यहाँ पर आ रहे हैं? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम श्याम लाल इंसान। श्याम लाल जी, हम देख रहे हैं भारी तादाद में संगत डेरा में पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पर्पस है, किस उपलक्ष्य के तहत आज आ रही थी? ये हमारे गुरु जी का गुर गद्दी नशीन दिवस है जी, और पूरी सात संगत पूरी श्रद्धा के साथ कल से ही तांता लगा हुआ है उनका आने का, और हमें पूरी खुशी है सारी संगत को। किस तरह से आज आप ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हो? हमारा दिन जो सेलिब्रेट है वो गुरुजी के वचनों अनुसार, जो 140 मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं गुरुजी ने, उनको फॉलो करने के लिए हम आते हैं जी, और शिक्षा मिलती है और हमें गुरुजी की अंदर से अंदरूनी शक्ति मिलती है उन अच्छे कामों करने करने के लिए। जी 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 जी। सर, मैं आपसे और जानना चाहूँगा, डेरा सच्चा सौदा के द्वारा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के द्वारा क्या क्या मानवता भलाई के काम किए जा रहे हैं? खून दान है, ब्लड दान है, मकान बना के ज़रूरतमंदों को दिया जाते है, और राशन भूखे प्यासों को दिया जाता है, बहुत सारे मानवता भलाई के शरीर दान है, आँखें दान है, जो भी मानवता भलाई के कार्य है सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा करते हैं तन मन और धन से जी, और अपने गुरु जी को जी। और इतना परमात्मा तो हमने देखा नहीं है जी, पर परमात्मा से बढ़ के हम गुरु जी को मानते हैं, श्रद्धा। इतने मानवता भलाई के काम डेरा के द्वारा किए जा रहे हैं, समाज भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दुनिया तो एक काल है, एक दयाल है, एक दुनिया है, एक साधु संत महात्मा होते हैं। आदि युग तो ही ये चलता है, राम होया कृष्ण होया, क्या उनको जेलों में नहीं रहना पड़ा जी? उनके माता पिता को जेलों में नहीं रहना पड़ा? उनका क्या कसूर था? पर उनको जो दुनियावी राज करने वाले है या दुनियावी है काल के वो है, उनको ये खतरा हो जाता है भी पता नहीं ये हमारे काम ना गलत काम ना रुक जाए, पर जो गुरुजी है वो सच्चाई पे चलाते हुए जितने भी गलत काम है उनसे रोकते हैं और उनको हम फॉलो करते हैं भी अच्छे से अच्छे कर्म करें। हमारे पीछे एक ऐसा लगता है कि हम अकेले काम नहीं कर रहे, हमारे पीछे एक परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा की शक्ति है। डेरा की अगर हम बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, गुरु जी किस धर्म को मानते हैं? गुरु जी मानवता को मानते हैं, गुरु जी मानवता को मानते हैं और धर्म का अर्थ समझाते हैं, पंथ का अर्थ नहीं समझाते कि आप हिंदू बन के रहो कट्टर, मुसलमान बन के रहो जी, उसने उसके खिलाफ कह दिया तो आप आग बुलबुला हुए एक दूसरे को मारना नफरत करना, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। इसीलिए ये डेरा सच्चा सौदा बाबा सामण साई मस्त साई जी के हुक्म से साई मस्ताना जी ने बनाया, शाह सतनाम सिंह जी ने वो करया, और अब गुरु जी इनकी सबकी देख रेख और संभाल कर रहे हैं जी जी जी। लगभग 5 साल बाद जब एक महीने के लिए वो पैरोल पर बाहर आए अभी, तो उनका बाहर आना कितना फ़ायदेमंद रहा समाज के लिए? उनका बाहर आना
समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा कि जो आम लोग सोचते थे भी पता नहीं गुरुजी के जो भगत है, पता नहीं गुरुजी क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं, वो सब प्रूफ हो गया कि वो 5 साल के आने के बाद किसी भी ना प्रशासन के ना जो जिन्होंने साजिशें रची थी ना जो उनका बुरा करना चाहते थे जा करिया, किसी के खिलाफ उन्होंने एक वचन नहीं बोला और मानवता को जोड़ते हुए देश हित में भारत का झंडा ऊंचा रखने के लिए सारी जनता को और सारी साध संगत को प्रेरणा दी कि भाई 15 अगस्त आज़ादी का दिन है जी। और आज़ादी के दिन आपने सभी ने अपने अपने घरों में श्रद्धा पूर्वक झंडे का मान करते हुए उसको लहराना है जी। वो सारी साध संगत ने ही ऐसे ही करे। लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं जो गलत है बुराई है उसको रोकें और जो अच्छाई है जहाँ अच्छे काम कर रहा है जहाँ उसको उनका कोई उन चीज़ों से वास्ता नहीं है उनको नजायज ना फंसाया जाए, किसी की पक्षपात के चक्कर में उनको ना फंसाया जाए, देश हित में काम करा जाए। थैंक यू सो मच सर। तो ये जो लोग किस तरह से रियल फैक्ट्स हैं डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बता रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा के बारे में बता रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच उनको लाया जाए, आपके क्या विचार है वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद।